Hello and welcome to the DSC Partner Square. आज हम डाइसैकेराइड का सबसे अंतिम यूनिट लैक्टोज पर लैक्टोज बताया था आपको। लैक्टोज जो है ये मिल्क दूध में मीठापन होता है वो लैक्टोज शर्करा के गाय के दूध में 4% लैक्टोज होता है और ह्यूमन स्पेक्ट्रम ऑफ लैक्टोज लैक्टोज के अणु सूत्र क्या होता है कोई पुराने बात सभी तीनों डाइसैकेराइड का अणु सूत्र तो सेम ही है इट इज C12H22OH लेकिन जल अपघटन कराने पर लैक्टोज के जल अपघटन कराने पर एक ग्लूकोज इकाई और एक गैलेक्टोज इकाई गैलेक्टोज का लैक्टोज का जलापटन कराया अम्लीय माध्यम में जलापटन कराओ या एक एंजाइम होता है गैलेक्टेज गैलेक्टेज एंजाइम जलापटन कराने पर एक ग्लूकोज इकाई प्राप्त होता है एक गैलेक्टोज इकाई लैक्टोज की चाहे प्रकृति की बात करें तो लैक्टोज ये एक अपचय शर्करा करता है ये फैलिंग विलेन और टॉलरेंस रिसेप्टर पर काम करता है अर्थात इसके अंदर कोई एल्डिहाइड के रूप में यह फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनाता है ऑरेंज कलर की क्रिस्टल बनाता है यह मोटा रोटेशन अर्थात परिवर्तित ध्रुवन कोटक का दर्शन करता है अर्थात दो रूपों में अल्फा और बीटा दोनों में पाया जाता है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सिद्ध होता है कि लैक्टोज में एक अपचायक शर्करा जरूर है दोनों में से एक शर्करा अपचायक शर्करा है एमएसीटर समूह मुक्त होकर सीएचओ समूह के साथ साम्य अवस्था में रहता है क्योंकि सीएचओ समूह उपस्थित है तभी ये ऊपर वाली रिएक्शन संभव है तब सीएचओ समूह की रिएक्शन नेचर ऑफ रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड का प्रकृति कैसी है उसको समझते हैं तो लैक्टोज का हमने ऑक्सीकरण किया एक सीडवच मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना लैक्टोबायोनिक एसिड बना इसके जल अपघटन पर गैलेक्टोज बना और ग्लूकोनिक एसिड बना इसका मतलब है कि ग्लूकोज का जो पीएच समूह था वो मुक्त है जिसने ऑक्सीडेशन पर ग्लूकोनिक एसिड बनाया और संयुक्त रूप से वो जो सी डबल एच था उसने लैक्टोबायोनिक एसिड ये संयुक्त रूप पर वो मुक्त चलिए ब्रोमीन से ऑक्सीकरण पर लैक्टोबायोनिक एसिड बनता है जल अपघटन पर गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता है अर्थात इसमें डी ग्लूकोज इकाई अपचयी भाग है जो ग्लूकोनिक एसिड बनाया जिससे सीएचओ जिसमें सीएच जो ओसाजोन भी बनाता है और ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीकरण करने पर अम्ल देता है ये जो ग्लूकोज है इसी ने आगे जाके ऑक्सीकरण पर ग्लूकोनिक अम्ल दिया अम्ल दिया ये रहा जबकि गैलेक्टोज एक अनअपचयी भाग है गैलेक्टोज जो शर्करा है वो मोनोसैकेराइड हमने इसका अपचयन करा के देखा अपचयन कराने पर लैक्टोज का अपचयन कराने से लैक्टोसिटॉल बनता है वह अल्कोहल में बदल जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जल के जब वो कहता है तो हमने दो दो मोनोसैकेराइड इकाइयों को अलग अलग लिखा एक ये बीटा डी ग्लूकोज भाग है और ये बीटा डी गैलेक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सेम संरचना ग्लूकोज और गैलेक्टोज सिर्फ कार्बन चार के अंदर में व्यत्यास पर भिन्नता है कार्बन चार में भिन्नता बाकी सारा विन्यास समान ये इसी मर एक कार्बन पर अब अनअपचयी भाग गैलेक्टोज का है ना उसका कार्बन वन का OH समूह कार्बन चार के OH से रिएक्शन करके H2 बाहर निकल रही है यहाँ से H2 बाहर निकल रही है तो हम इसका H2 बाहर निकाल के बॉन्ड बनाते हैं इसका इसके OH और इसका OH आपस में क्लियर करके H2 बाहर निकल और यहाँ एक बॉन्ड बन गया ये बॉन्ड बॉन्ड का नाम है बीटा ग्लाइकोसाइड अब इसको और से देखो बंद बनने के बाद
का जो एनोमरी कार्बन था वो तो ग्लाइकोसाइडिक बंध से मुक्त बंध गया, और जो ग्लूकोज इकाई का जो एनोमरिक है वो अभी भी मुक्त है, जल अपघटन करने पर ये बंध खुल जाता है, एमिसेटल वाला ये खुल गया, एमिसेटल वाला कौन से मुक्त पीएच होता है, और मुक्त पीएच देता है इसलिए ये भाग अपचयित हो जाता है, इसलिए इसको अपचयी भाग रिड्यूसिंग पार्ट। और इसका जो जो पीएच समूह है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में भाग ले लिया, इसलिए ये जब ये अपचय प्रकृति नहीं दर्शाता, इसलिए ये अनअपचयी प्रक्षेपण सूत्र हमने बनाया। और अब नीचे चलते हैं हम इसका ग्लाइकोसाइड बंध बनाते हैं, इस प्रकार उससे दो अक्षर ग्लूकोज दीजिए ग्लाइकोसाइड बट नॉट ए ग्लूकोसाइड, हमने फॉरवर्ड प्रक्षेपण सूत्र बनाया। फॉरवर्ड प्रक्षेपण सूत्र में हमने क्या बनाया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर गैलेक्टो रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज, गैलेक्टोज का कार्बन वन ग्लूकोज के कार्बन फोर से बॉन्ड बनाता है। और संरचना के अंदर और से देखें कि हमने नॉन रिड्यूसिंग गैलेक्टोज इकाई बन गैलेक्टोज इकाई बीटा कार्बन और ये बीटा ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज अब गैलेक्टोज का कार्बन वन ग्लूकोज के कार्बन फोर से बॉन्ड बनाता है, और ये देखो ये एच टू यहाँ से बाहर निकलता है, इसका OH और इसके OH से रिएक्शन हुई और ये एच टू यहाँ से बाहर निकलता है, ये जब एच टू से बाहर निकलेगा यहाँ बीटा बॉन्ड बनाएगा, और बीटा बॉन्ड कैसे बनाता है, दोनों OH में से एच टू बाहर निकल गया और ये बीटा बॉन्ड, बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन बन गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप और से देखें, इसमें कौन सा एनोमरिक भाग फ्री है और कौन सा बन जाओ, इसके अंदर जो ग्लूकोज इकाई का सी वन है वो मतलब ये रिड्यूस, और इलेक्ट्रॉन इकाई का जो सी वन है तो ये नॉन रिड्यूसिंग, इस तरह से फोर ओ जो चार से बॉन्ड बनाए, अल्फा डी गैलेक्टो पाइरेन साइड, बीटा डी ग्लूको पाइरेन साइड, इस तरह से ये रिएक्शन पूरी हुई, और ये सारा ग्रोथ के बारे में हमने आपको बताई बात। अब हम इसके आपको चेयर कॉन्फॉर्मेशन सेक्रेट खत्म किया, जिसमें सबसे पहले हमने आपको ग्लूकोज पढ़ाया था, फिर माल्टोज पढ़ाया, और आज हमने लैक्टोज पढ़ाया, कल हम इसका अंतिम भाग पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे, स्टार्च और सेलुलोज।